कहा जाता है राइस पूरे विश्व का सबसे कॉमन स्टेपल फूड है, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट भी। पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल करीबन 14-15% राइस प्रोडक्शन में योगदान करता है। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू बोल भाई फूडी। भाई लेकर आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आप लोग के लिए। राइस कैसे बनाई जाती है गाइस, पूरी वीडियो आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही जोरदार की होने वाली है, तो इसे पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। राइस हम सब खाते हैं गाइस, हमारे घरों में राइस बनता है, लेकिन पैडी जिसको धान बोला जाता है, तो धान से राइस कैसे बनता है, तो वो मैं आज आ गया हूँ आपको दिखाने के लिए इस राइस मिल के अंदर में, जो कलकत्ता से करीबन 4-4.5 घंटा दूर है। तो पूरी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, मजा आने वाला है गाइस। और अगर ये वीडियो आप लोग को कुछ अगर वैल्यू देती है तो सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। आज मैं आ गया हूँ बंगाल की एक ऐसी ही राइस मिल में जहाँ 600 टन राइस हर महीने प्रोड्यूस किया जाता है, और यहाँ पैडी जिसे धान भी कहते हैं वो करीबन 1000 टन से भी ज़्यादा माल स्टॉक में रहता है। ये प्लांट फुल्ली ऑटोमेटिक है, सारी मशीनें बहुत ही वेल इक्विप्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले धान को लिया जाता है जिसे 1-2 साल तक स्टोर किया जाता है ताकि चावल में मिठास बनी रहे। फिर धान को साफ किया जाता है ताकि इसकी सारे इम्प्योरिटीज जैसे स्टोन्स, डस्ट और स्ट्रॉ अलग हो जाए। फिर धान से हस्क को हटाया जाता है और ये ब्राउन राइस के फॉर्म में आता है। उसके बाद ये तीनों मशीनों में ब्राउन राइस को आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसमें इसके ऊपर का जो ब्राउन कलर है उसे पॉलिश किया जाएगा। ये प्रोसेस में करीबन 30-35 मिनट लगता है, जिसे चावल के ऊपर का जो ब्राउन वाला कलर है उसे तीनों मशीन में बार बार प्रोसेस करके हमारा जो राइस का ओरिजिनल कलर है उसे डेवलप किया जाएगा। उसके बाद ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है जिसे सॉर्टेक्स या सॉर्टिंग मशीन भी कहते हैं। इसमें राइस को सॉर्ट किया जाता है और ये मशीन बहुत ही तेजी स्पीड से चलती है, और इसमें राइस के कहीं भी कोई ब्लैक स्पॉट या फिर कोई कटे हुए या फिर कोई डिफेक्ट चावल है तो वो अपने आप अलग हो जाते हैं। फिर जाके कहीं हमारा राइस जो है वो तैयार होता है, और फिर आप देख सकते हो ये जो पाइप है, इस पाइप से हमारा जो बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट है वो कलेक्ट होता रहता है। अब हमारा राइस बन के तैयार है, इसे बोरियों में पैक किया जाता है और 30 किलो की बोरी बनाई जाती है, और आगे वेयर हाउस में इसे स्टोर किया जाता है और वहाँ से ये शिपमेंट के लिए तैयार रहता है। सो ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए फॉलो कीजिए